तो दोस्तों कल के व्लॉग में उमेर को मिसिंग पिजन 150 रुपए में सेल करने पर पापा से पड़ी थी डांट, लेकिन आज के व्लॉग में एक तो मैंने पिजन को वापस लाने का इरादा कर लिया और साथ में ही हम कोका टेल्स के लिए केजीज भी देखने गए। तो फिर आज का व्लॉग जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज उमेर कॉलेज दोबारा से जा चुका है और यार मैंने एक काम किया था, वो जो फीमेल रैबिट है ना मैं उसे दोबारा लेकर आ गया था। और ये देखें यार ज़रा, इसे मैंने जैसे ही छोड़ा इस जगह पे ये फ़ौरन अंदर चली गई है। पता नहीं क्या वजह हो सकती है यार, थोड़ी देर तक हमें पता चल जाएगा। यार तुम लोग क्यों मुझसे फ्रैंक नहीं होते? बाकी हर चीज़ मुझसे फ्रैंक हो जाती है दोस्तों, ये फ्रैंक नहीं होते। और वैसे देख लें यार, जो हमारा हीर है ना इसका साइज़ पहले से मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है। और ये देखें यार, इसके ना पेटल्स ही पता लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट, साथ में सिल्वर भी है, ऑरेंज भी है। अब ये पता नहीं किस तरह का बनेगा बड़ा होकर, लेकिन इसके बहुत चमकीले से कलर आने वाले हैं। आ जाओ भैया आ जाओ। और ये देखें दोस्तों, आज तीसरा अंडा भी आ चुका है हमारी टक्की का। और ये चेक करें ज़रा भाई, लगातार अंडे दे रही है, एक भी इसने नागा नहीं किया। हर दिन इसका एक अंडा आ रहा है और इसका अंडा भाई मुर्गी के अंडे के साइज़ के बराबर होता है। हाँ कहाँ फंस गए हो तुम, जाओ शाबाश। यार वैसे मुझे लगता है हीर रांझा के ना हमें पर काटने पड़ेंगे, क्योंकि भाई इन्हें परों की वजह से मैं बाहर भी खुला नहीं छोड़ सकता। जैसे इन्हें मैं बाहर छोड़ूंगा ना भाई, इन्होंने कहाँ जाना इनका पता ही नहीं चलना, क्योंकि ये प्रॉपर फ्लाई करते हैं भाई। अब इतने टाइम के बाद ये मोहतरमा भी बाहर आ चुकी हैं, अब इसे मैं थोड़ा सा छेड़ूंगा ना भाई, इसने दोबारा से अंदर चले जाना है। पता नहीं क्यों इतना ये डरती है, लेकिन भाई एक बात क्लियर है कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बेबीज देगी, बस मुझे इसी टाइम का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। अब यही काम दोस्तों मैं डेली करता हूँ, पिजन्स को यार खोल देता हूँ सुबह के टाइम, सुबह के टाइम इन्हें खोल कर आराम से फीड करवा देता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये। चलो भाई यार, पिजन्स का मैंने ना नोट किया है कि वो बर्तन फ़ौरन गंदा कर देते होते हैं, चाहे पानी का बर्तन हो चाहे दूसरा बर्तन हो, फ़ौरन गंदा हो जाता है यार। इसलिए मैंने सोचा है कि यार ये वाले बर्तन ना इनकी जाली में फिक्स कर दूंगा, इस तरह हमारा दाना भी ख़राब नहीं हुआ करेगा ना ही पानी ख़राब हुआ करेगा। यार कुछ इस तरीके से एक इस साइड पे आ जाएगा दोस्तों, और इसे हम थोड़ा सा यहाँ से टाइट कर देते हैं, ठीक है। और ये आ गया पानी वाला बर्तन, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलो अब यार ना ही इनका पानी गिरेगा ना ही ये दाना वगैरह गिरेगा, तो आराम से ईजी होके खाया करेंगे। और ये देख लें भाई, इस बच्चे का तो वैसे मैंने सोच लिया है कि इसका नाम ही मैंने कालू रखना है इंशाल्लाह। और यार ये नीचे वाले बच्चे और ऊपर वाले देखें, इस वक्त दूसरी साइड पे आए हुए हैं, वरना पहले इस साइड पे हुआ करते थे, अभी थोड़े बड़े हो गए हैं ना, इन्हें सुकून नहीं आ रहा भाई, इनसे रुका नहीं जा रहा, थोड़े और बड़े होंगे तो ये तो वैसे ही बाहर आ जाएंगे। पहले तो मैं इन्हें झाड़ू के तिनकों से रोकता होता था, लेकिन भाई अब मैं खुद इन्हें झाड़ू के तिनके प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि यहाँ एक दो पिजन्स हैं वो अपना नेस्ट बना रहे हैं, और हो सकता है इंशाल्लाह वो एग्स वगैरह दे दें। तो इसलिए काम करते हैं यार, ये झाड़ू के तिनके ना थोड़े से तोड़ के इस तरह करके कुछ इस तरीके से यहाँ फेंक देते हैं, ये खुद ही अपने नेस्टों में लगा लेंगे। जहाँ जहाँ नेस्ट पे लगे होंगे ना मुझे पता चल जाएगा कि यार वहाँ वहाँ पिजन्स एग्स देने वाले हैं, तो इसलिए यार मैं पहले से कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर पाऊँगा। हाँ भैया बताओ, तुम लोगों ने कोई अंडा शंडा दिया है कि नहीं? दोस्तों ये वाली जो ब्राउन वाली फ़ीमेल है ना, ये देसी वाली, यार ये बहुत करीब आ गई अंडे देने के, और ये अक्सर शोर वगैरह करती रहती है जैसे बहुत जल्दी अंडे देने वाली है। तो भाई अभी इन्हें भी खोल देते हैं, ये भी दाना वगैरह खा लेंगे। अच्छा दोस्तों एक लास्ट चीज़ रह गई थी हमारे मास्टर केज में होने वाली, और फाइनली यार वो आज इंशाल्लाह हो जाएगी। वैसे देखने तो जा रहे हैं, वो चीज़ अगर पसंद आ जाती है ना तो यार इंशाल्लाह वो लेकर ही आएंगे। चलें दोस्तों फिर चलते हैं। हाँ जी पापा चलें फिर। चलो भाई पापा भी अब हमारे साथ जाने वाले हैं, और आप सबको एक बहुत मज़े का सीन में दिखाने वाले हैं। यार ये कहाँ रह गया दोस्तों, अब हम अच्छे भले जा रहे थे, उमेर आ गया, उमेर को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। हाँ जी सर जी तैयार हो गए आप? यार तैयार नहीं हुआ, बस अभी कॉलेज आया था, अभी कॉलेज आया था बस मैंने उसके बाद। वाह 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 भाई, चाबी दिखाओ ज़रा। चलो दोस्तों ये उमेर की स्पार्टर है, और इसलिए मैं कहता हूँ ये स्पार्टर है, देखिए नीचे से इंजन ऑयल भी इसका लीक हो रहा है। अच्छा दोस्तों मैं आप सबको ना एक बहुत मज़े का सीन बताने वाला हूँ। यार ऐसा है कि मोटरसाइकिल उमेर की स्पार्टर हमने इधर खड़ी कर दी है, और यहाँ देखिए हम किस जगह पर आ गए। आप सब ने वैसे काफ़ी दिनों से हमारी गाड़ी नहीं देखी होगी, और मैं दिखा देता हूँ यार, ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई, तकरीबन कोई 3 हफ्ते हो गए हमने खुद इसे नहीं देखा। चलो
उमेर वैसे अगर इतनी जगह हमारे मिनी जू के लिए होती ना, क्या ही बात होती है ना। चलो दोस्तों, यहाँ खड़ी करने का ना फायदा ये है कि भाई वहाँ ना एक तो लकीरें मार जाते थे बच्चे वगैरह अक्सर ना, हमें टेंशन ही रहती थी यार। यहाँ खड़ी रहती है तकरीबन 3 हफ्ते खड़ी रही है, किसी किस्म की हमें कोई टेंशन नहीं रही। और अभी देखें गाड़ी बिल्कुल साफ है भाई। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी में भी आ चुके हैं भाई, अभी इसे ना पीछे निकाल यार। यहाँ ना अंदर गाड़ी भट्टी की तरह जल रही है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी है इसके अंदर। अच्छा पापा पहले कहाँ जाने देना है, सर्विस करवाने या फिर? पहले इसकी जो है ना वो कराएंगे, ट्यूनिंग वगैरह जो है ना इसको काम करवाते हैं। चलो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए गाड़ी की भी ना ट्यूनिंग वगैरह नहीं करवाई, ऐसे ही खड़ी हुई है। सर जी कहाँ मस्त हुए पड़े हो, बड़ा मज़ा आ रहा है ना। इसकी टांगे देखिए ज़रा यार, थोड़ा तमीज से बैठ जाए करो उमेर। यार अपनी गाड़ी है यार, जो स्कूल से बैठे हो। उमेर मुझे तो लग रहा है काम में टाइम बहुत लग जाना है, और हमने लाइव भी आना था आज। कोई नहीं यार, लाइव तो कोई नहीं यार, फिर लाइव ना कल करेंगे ठीक है ना यार। गाड़ी का काम ज़्यादा ही होता है, आपको पता ही है। चलो ठीक है, ये काम हो जाएगा ना दोस्तों, लाइव हम ना इंशाल्लाह कल करेंगे। और वैसे भी आप सबको पता है यहाँ नेट वगैरह तो है नहीं, लाइव वगैरह यार मैं वरना इधर ही कर लेता। तो फाइनली दोस्तों हम सब घर आ चुके हैं, और यार मैं आप सब से सॉरी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम चीज़ लेने गए थे ना भाई वो हम नहीं ला सके, क्योंकि यार वो चीज़ जो थी ना वो कुछ ऐसी थी कि उससे हमने कोका टेल्स की पेयरिंग वगैरह करनी थी। आप सब समझ तो गए होंगे कि यार वो केजेस थे, और मैं आप सबको बता दूं कि यार वो 4 पोर्शन वाला केज था। मैं पीक पी साथ में ना अटैच कर दूंगा, आप सब देख लेना। और यार उसकी जो विड्थ थी ना भाई वो 2 फुट की थी, और 4 फुट की उसकी लेंथ थी। तो यार हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा आइडल होने वाला था, और हमारे कोका टेल्स उसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस देते। लेकिन जिस भाई के पास हम पहुँचे थे ना भाई, उन्होंने वो पहले ही सेल कर दिया हुआ था, तो इस वजह से यार मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। फिर वहाँ से ही हम वापस आ गए थे दोस्तों। अभी मैं केजेस वाला काम तो कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन यार हम वो फीमेल वाला काम अभी कंप्लीट कर लेंगे। ये 150 रुपये हैं। उमेर सर जी कंगी शंगी छोड़ दो, ये ज़रा पैसे पकड़ो और वो फीमेल लेकर आओ ठीक है। हमेशा तुम्हारे यही काम चल रहे होते हैं, कभी तुम कंगी कर रहे होते हो, कभी तुम कुछ कर रहे होते हो। ये पैसे पकड़ो भाई। बहुत मुश्किल से फीमेल मिली है यार। बहुत मुश्किल से नहीं, मुझे वो वापस चाहिए ठीक है। मैंने तुम्हें 150 रुपये अरेंज करके दे दिए, चाहे तुमने वो खा ली हो, तुमने उसकी डाइट लेकर आई हो, लेकिन मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा 150 रुपये दे दिए। मैंने पता क्या किया था? क्या किया था? मैंने उसको देके ना 150 रुपये की मैं खरगोश के लिए लेके आया था। मुझे पहले ही पता था भाई तुम्हारे पास डाइट के लिए पैसे तो है नहीं दोस्तों, इसने फिर डाइट ऐसे ही लेकर आनी है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था। पता तो है मैं गरीब हूं भाई। अब तुम ये 150 रुपये पकड़ो जल्दी से, मुझे वो फीमेल ला दो बस। तो अभी दोस्तों उमेर आ चुका है। उमेर आ गए? ओए यार शुक्र है दोस्तों, ये हमारे पास वापस आ चुकी है। बहुत मुश्किल से, शुक्र है भाई, बहुत मुश्किलों से, बहुत मुश्किलों से मिली है, बहुत मुश्किलों से मिली है। अच्छा मुझे बता किस तरह से मिली है ये? यार वो बंदा बहुत खतरनाक है, तुम्हें अच्छी तरह पता है, जो चीज वो ले लेता है ना हाँ, वो वापसी नहीं करता। यार जो भी है भाई, अभी हमें हमारी चीज वापस मिल चुकी है, कोई बात नहीं, दोबारा से 150 रुपये दे दिए। लेकिन उमेर ने भी ना बस यार जो भी किया, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हमें हमारी फीमेल वापस मिल चुकी है, मुझे बस इस बात की खुशी है। तो फाइनली दोस्तों ये फीमेल हमारे मास्टर केज में वापस आ चुकी है। और आप सबको याद होगा तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने इसे पकड़ा था छत से, जब ये जख्मी थी। तो जब ये जख्मी थी ना, इसे मैंने ट्रीटमेंट वगैरह दी थी, और इसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी कर लिया था। तो यार शुक्र है उसने भी आगे ये कहीं सेल नहीं की। वैसे ये फ्लाइंग वाली फीमेल है, उमेर ने यार बहुत सस्ती ये सेल कर दी थी। चलो भाई अभी दरवाज़ा खोलते हैं और जाओ तुम अगेन से अपने घर में। चलें दोस्तों ये दोबारा से अपने घर में जा चुकी है, और यार हमारा पीजन्स वाला केज अगेन से यार बहुत अच्छा हो गया है।